वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनाहिल नाजिया रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है दीपावली क्यों मनाया जाता है, दिवाली क्यों मनाते हैं सदगुरु हिंदी, और इनके चैनल का नेम है आत्मा ज्ञान सागर। आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से पढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। कार्तिक मास की त्रयोदशी के बाद से कुछ चीजें हैं जो बदल जाती हैं। हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमें कैसे रहना चाहिए, तो दिवाली के महत्व को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है। इसे वापस लाने का समय आ गया है ताकि आपकी ऊर्जाएं गिर ना जाएं और आप उन सभी अशुभ शक्तियों के शिकार न बन जाएं जो हमेशा हम पर काम करती रहती हैं। ये दीपावली का समय है, इसका क्या महत्व है? ये वो त्योहार है जो हमेशा चंद्र कैलेंडर में कार्तिक मास के 13वें दिन आता है और इसे त्रयोदशी कहते हैं। कार्तिक मास के 13वें दिन त्योहार होता है। हमारी परंपरा में इसका विज्ञान ये है कि इस दिन सभी पूजा करते हैं। दीपावली के दिन ये परंपरा है कि सभी धन्वंतरी की पूजा करते हैं, जो कि हमारी सेहत और खुशहाली के लिए समर्पित एक देवता हैं। आज धन्वंतरी शब्द का अर्थ काफी हद तक डॉक्टर हो गया है। धन्वंतरी या धन्वंतरी देवता आयुर्वेद के स्रोत माने जाते हैं। आयुर्वेद लंबे और सेहतमंद जीवन का विज्ञान है। तो किसी ने धन्वंतरी और त्रयोदशी शब्दों को काटा और बना दिया धन 13। जो चीज सेहत की थी वो धन की बन गई। धन यानी पैसा। अब सब सोचते हैं दीपावली पैसे से जुड़ी है। ये बात सेहत की क्यों है? For those of us who live in the northern hemisphere, it is from this day onwards certain things change from the Trayodashi of Kartik Masa. क्योंकि हम में से जो लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं उनके लिए कार्तिक मास की त्रयोदशी से कुछ चीजें बदल जाती हैं। चीजें बदलती हैं कुछ ऐसे कि जीवन धीमा होता चला जाता है। तो सर्दियों के महीने के दौरान आपको अपने साथ क्या करना चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए, आपके खाने की आदतें कैसे बदलनी चाहिए, आपके योग अभ्यास कैसे बदलने चाहिए, सब के लिए हमारी परंपरा में एक विज्ञान बनाया गया था कि हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए ताकि सर्दियों के महीनों से हम गुजर पाए बिना बीमार पड़े, बिना निराश हुए और बिना जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोए। ऐसा कैसे करना है, इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान था। दिए जलाना और पटाखे फोड़ना भी उन्हीं चीजों में से एक था ताकि आपकी ऊर्जाएं गिरने न लग जाएं। वंश के स्तर पर एक आयाम होता है, हमारे अंदर विकास की प्रक्रिया से जुड़ी यादें होती हैं जो सोचती हैं कि जैसे ही सर्दी के महीने आते हैं, चाहे मौसम वाकई ठंडा हो या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बनी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बदलाव तो होते ही हैं। धरती और सूरज के बीच की दूरी और धरती और सूर्य के बीच की स्थिति बदल जाती है, इस वजह से धरती पर जीवन धीमा होता जाता है। अगर आप एक भालू होते, मेरा मानना है कुछ समय पहले आप थे, तो आप एक लंबी नींद में होते। तो शरीर में लंबी नींद में जाने की एक टेंडेंसी या प्रवृत्ति होती है। अगर आपको यह ना पता हो तो इन दिनों बीज अंकुरित नहीं होते। भारत में इस मौसम से लेकर 14 जनवरी तक कोई किसान बीज नहीं बोता, क्योंकि बीज पूरी तरह से अंकुरित नहीं होगा या उतनी तेजी से अंकुरित नहीं होगा जितना दूसरे मौसमों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में हर चीज पूरा जीवन ही धीमा हो जाता है, क्योंकि जीवन धीमा होने जा रहा है, इसलिए हम अपने आसपास
और ज़्यादा ऊर्जावान चीज़ें करने की तैयारी करते हैं ताकि हम खुद धीमे ना हो जाएं और इसका हिस्सा न बन जाएं। एक तरह से हम अपने विकास की प्रक्रिया पर डटे रहना चाहते हैं। हाँ, अगर हम कोई और प्राणी होते तो हम कहीं दुबक कर सो जाते, पर अब हम इंसान बन गए हैं। हमने अपने शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। मैं बहुत ज्यादा ही चीजें मानकर चल रहा हूं क्या? माना जाता है कि आप अपने शरीर की टेंडेंसी से ऊपर उठ चुके हैं, तो इनसे ऊपर उठने के लिए कई गतिविधियां बनाई गई हैं ताकि आप एक वैसे हाइबरनेशन जैसी हालत में ना चले जाएं। शारीरिक सुस्ती, मानसिक स्तर पर थोड़ा सा डिप्रेशन, ऐसे सभी के साथ आसानी से हो सकता है क्योंकि मौसम ही ऐसा होता है। ठंडे देशों में निश्चित रूप से लोग इसका अनुभव करते हैं, हाँ या नहीं? क्योंकि आपके भीतर चीजें धीमी हो गई हैं। उत्तरी गोलार्ध में सिर्फ आप ही नहीं, सब कुछ धीमा हो जाता है क्योंकि सूर्य के साथ हमारा संबंध बदल जाता है, जो कि हमारे जीवन का बेसिक सोर्स है। इस धरती पर ऊर्जा का बेसिक सोर्स सूर्य है, इसलिए नहीं कि आपने सोलर पैनल बना लिया है, सूर्य हमेशा से रहा है। अब क्योंकि उत्तरी गोलार्ध और सूर्य का संबंध बदल गया है, यानी आप सूर्य से दूर हो गए हैं, इसलिए इस महीने से धीमापन आ जाता है। इस चंद्र माह के 13वें दिन से ऐसा होता है, जिसे कार्तिक त्रयोदशी कहते हैं। तो इसकी भरपाई के लिए भारत में तरह तरह के काम किए जाते हैं। इस महीने के बाद से, एग्जाम्पल के लिए, ये महिलाओं के लिए रोजाना का काम है। अब नहीं रहा, पर भारतीय गांव में अब भी ऐसा होता है कि सुबह सबसे पहले वो अपने घर के बाहर सफाई करती हैं और कुछ ज्योमेट्री वाले आकार बनाती हैं। ये ज्योमेट्री आज महिलाएं सिर्फ एक ही डिजाइन जानती हैं, अफसोस है। वो एक ही चीज बना देती हैं, या इसे रंगवा देती हैं, या एक खाके से उसे बना देती हैं, नहीं तो उन्हें चावल के आटे से रंगोली बनानी होती है। और हर रोज, सोमवार, मंगलवार और ऐसे हफ्ते के हर दिन उन्हें एक विशेष डिजाइन बनानी होती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन, जिससे हमारे घर में एक विशेष ऊर्जा आकर्षित हो। अगर आज पूर्णिमा है तो एक तरह की डिजाइन, अगर अमावस्या हो तो अलग डिजाइन। तो 28 पैटर्न हुआ करते थे और लोग जानते थे कि किस दिन क्या बनाना है। तो इन महीनों में रंगोलियां बनाने का काम पुरुषों का हो जाता है, और ये इकलौता ऐसा महीना है जब पुरुषों को सुबह सड़क पर गाना गाते हुए जाना होता है। सुबह सुबह उन्हें सड़कों पर गाना गाते हुए निकलना होता है। आज भी बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, भारत के गांव में कुछ हद तक और शहरों में फिर से ये चलन फिर से शुरू हो रहा है। आज हमारे शहर बहुत बड़े हो गए हैं, वरना अगर आप किसी गांव में रहते तो वहां रहने वाले हर इंसान को अपने सिस्टम में ढोल और संगीत की इस ताल की जरूरत होती है ताकि वे हाइबरनेट न करने लगें, ताकि उनका सिस्टम धीमा ना हो जाए। तो दीपावली इसीलिए होती है, शायद आप रोशनी ना देख पाएं, इसलिए पटाखे जलाए जाते हैं ताकि आप जाग जाएं। सुबह 4:30 बजे लोग पूरे कस्बे में पटाखे फोड़ने शुरू कर देते हैं, जिससे लोग जाग जाएं और सभी जीवंत हो जाएं। क्योंकि सर्दियों के महीने में ये जरूरी होता है कि आप सूरज से पहले उठ जाएं। सूरज की पहली किरण घास पर या किसी कीड़े या कीट पर नहीं पड़नी चाहिए, सूरज की पहली किरण आप पर पड़नी चाहिए। दिस इज द कमिटमेंट, दैट इज माय बिफोर सनराइज एवरीबॉडी इज आउट टू रिसीव द फर्स्ट रेज ऑफ सन अपॉन देमसेल्व्स, नॉट अपॉन द ग्राउंड। लोग ये कमिटमेंट लेते हैं, इसीलिए सभी सूर्योदय से पहले बाहर आ जाते हैं ताकि सूरज की पहली किरण उनके ऊपर पड़े, न कि जमीन पर। तो इस त्योहार के महत्व को काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया गया है, पर फिर भी लोग थोड़ा बहुत गा रहे हैं और कुछ पटाखे फोड़ रहे हैं। इसे वापस लाने का समय आ गया है, विशेष रूप से अगर ठंडे मौसम में हम इनमें से कुछ चीजें शुरू कर पाएं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि दिवाली कोई धार्मिक त्योहार नहीं है। ये त्योहार इस धरती पर हमारी भौगोलिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए ये बदलाव हमारे अंदर होते हैं, हमारे शरीर में, पौधों में, जानवरों में, हर चीज में। आप देखेंगे सब कुछ धीमा हो जाता है, पर अगर आप अपने भीतर धीमे हो गए, आप मानसिक रूप से धीमे हो गए, तो आप थोड़े मंद हो जाएंगे। अगर आपका शरीर थोड़ा धीमा हो गया
तो आपको कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो कि तब नहीं होंगी जब आपका शरीर जीवंत और ऊर्जावान होगा। अगर यह शरीर जीवंत और ऊर्जावान है तो अभी आपके अंदर चाहे 1000 इन्फेक्शन हो पर आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शरीर ऊर्जावान और जीवंत है। अगर शरीर थोड़ा सा धीमा हो गया तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके अंदर बड़ी समस्याएं बन जाएंगी। इसीलिए यह त्योहार धन्वंतरी सेहत और खुशहाली के विज्ञान से जुड़ा है कि हमें अपने सिस्टम को जीवंत रखना चाहिए। 14 जनवरी तक सब कुछ ऊर्जावान रखा जाना चाहिए। इसीलिए आप संगीत और दियों की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। आपको हर तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है अपने वातावरण को जीवित रखने के लिए, ताकि आपकी ऊर्जाएं नीचे न गिर जाएं और न ही आप अलग अलग अशुभ शक्तियों का शिकार बने जिनका हमेशा हम पर असर पड़ता रहता है। बस कुछ लोग उनके ऊपर रहते हैं और कुछ उनमें डूब जाते हैं। तो यही है दीपावली का महत्व। तो ये धन्वंतरी की त्रयोदशी है। बहुत अच्छी इन्होंने बातें की है सतगुरु जी ने, जितनी भी बातें की हैं कि सुबह उठना चाहिए, और मतलब दिन भी छोटे हो जाते हैं ना अगर आप सुबह नहीं उठोगे। अगर आप 12 बजे तक सोते ही रहोगे तो अपने काम भी नहीं कर पाओगे। और ये सारी समझने की, और वो कहते हैं ना ज्ञान टाइप की बातें हैं जो कुछ लोग तो लेना चाहते हैं और कुछ लोग जो है वो अवॉइड ही करते हैं, कहते हैं नहीं भाई हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारेंगे। तो खैर ये वाकई वही दिन होते हैं जब लंबे दिन खत्म हो जाते हैं और छोटे दिन जब स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सारी उसी टाइप की बातें थी जो कि हर इंसान के लिए बेहतरी के लिए, ये नहीं कि जो सिर्फ दिवाली का फेस्टिवल मनाते हैं सिर्फ उनके लिए ही नहीं है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए जो है ये एक अच्छी आजमूदा बातें हैं, फायदेमंद बातें हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो यही करते हैं कि बस दिवाली वाले दिन ही जो है ना वो उठ जाएंगे सुबह, जैसे उन्होंने कहा कि पटाखे वगैरह बजाए जाते हैं ताकि लोग उठ जाएं और सूरज की पहली किरण उन पर पड़े, तो बाद में फिर वही उनका लाइफस्टाइल वही शुरू हो जाता है कि नहीं भाई ठीक है, मतलब फेस्टिवल के फेस्टिवल तो वो काम वो कर लेंगे लेकिन बाद में फिर उनकी वही रूटीन आ जाती है। तो फिर वही बात, वो लोग वही होते हैं जो कहते हैं हमें अपनी जिंदगी जो है ना अपनी मर्जी से गुजारने दो, हमने भाई 12-1 बजे ही सो के उठना है, हमने नहीं सुबह उठना। तो वही बात है कि आप सुबह जल्दी उठोगे आपके अपने हेल्थ के लिए इतना अच्छा है, आप अपने काम इतने अच्छे हर टाइम टू टाइम अपने काम जो है वो सर अंजाम दोगे, लेकिन लोग जो है वो नहीं मानते। खैर अगर दिवाली की बात करें ना तो बड़ा अच्छा, मुझे तो बड़ा अच्छा ये फेस्टिवल लगता है, रंगों का, दियों का, रोशनियों का फेस्टिवल है और लोग जो है उसको सेलिब्रेट भी बड़े जोशों खरोश से मनाते हैं। कलरफुल सा फेस्टिवल है, जैसे होली है ना वो भी बहुत कलरफुल फेस्टिवल है, उसमें तो बकायदा रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दिवाली में लोग जो अपने ऊपर रंगों का इस्तेमाल करते हैं थ्रू कपड़े पहन के और ज्वेलरी वगैरह पहन के, और इस टाइप की जो है ना ज्वेलरी दिवाली स्पेशल ज्वेलरी बहुत आती है, स्पेशल आउटफिट्स लोग बनवाते हैं रंगारंग जो कि इतने चमक दमक वाले और मतलब आंखों को इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो मतलब जितने भी ये फेस्टिवल्स है ना, होली हो गया, होली का हमने एक देख लिया था कि होली क्यों मनाया जाता है, दिवाली का मुझे था कि कोई इसके पीछे कोई स्टोरी वगैरह होगी लेकिन ऐसा सच नहीं था। तो मतलब ये भी जैसे सीजन्स, 4 सीजन्स होते हैं ना उससे इसको भी मंसूब किया जाता है, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। अच्छा मुझे लगा था कि जैसे हमने होली की देखी थी इनकी वीडियो के, मतलब उनकी कोई देवी देवता टाइप से मतलब हाँ। से रिलेटेड थी, तो मुझे लगा था कि शायद दिवाली भी उससे हो, लेकिन ये वैसे ही एक जैसे वो कहते हैं कि आपकी सेहत से रिलेटेड है। जैसे हम समझो कहते हैं ना कि सर्दियां हम दिमाग में ही सोचते हैं तो हमें खुद ही सुस्ती आना शुरू हो जाती है कि वही अपने ब्लैंकेट्स में जो है वो बैठ जाओ और निकलने का दिल नहीं कर रहा होता। जैसे सर्दियों की शामें जो कहते हैं बहुत उदास होती हैं, तो जैसे ये अभी सतगुरु जी है वो बता रहे थे कि अपने आप को जो है वो एनर्जी देना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है कि आपने जो है वो सर्दियां कैसे गुजारनी है, तो ये उससे रिलेटेड है। तो मैं तो समझती हूँ कि ये सबको ही जो है मनाना चाहिए, खाली एक खाली जो है वो रिलीजन को नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इसमें अपने आपको जो है अपने बकअप करना है, क्योंकि सर्दियां वैसे ही आपको जो है वो बहुत ज्यादा सुस्त कर देती है। जैसे ही कह रहे थे कि विली साइड पे चले जाओ तो लोगों वहां पे एक वो है ट्रेडिशन है कि बंदे जो है वो सुबह उठ के जो है वो गाना गाते हैं, पता चलता है कि जी होली है। जैसे वो कहते हैं 28 पैटर्न है जो आपने बाहर घर के बाहर बनाने, तो मतलब हर चीज जो है वो रंगों वाली है, पटाखे वगैरह बजाना, मतलब इस चीज से आपको जो है वो एनर्जी मिलती है, वरना तो आप सर्दियों में आधे बाकी डिप्रेशन में चले जाते हो, इस टाइप की होती है ये सर्दियां। तो मेरे ख्याल से, और अगर हम इंडियन
फेस्टिवल की बात करें ना, चाहे वो जैसे आपने कहा होली या दिवाली, ये सारे रंगों भरे जो है वो फेस्टिवल है। और वाकई इनके इस किस्म के फेस्टिवल देख के ना तो दिल भी खुद भी करता है कि हम भी इन फेस्टिवल को मनाएं। और खासतौर पे वो जो उनकी रंगोली है यार, ये एक बहुत आर्ट का काम है। जिस तरह वो कह रहे हैं 28 पैटर्न से, और हर दिन आपको पता है कि आपने किस पैटर्न का वो जो है वो अपने घर के बाहर बनाना है। तो और वाकई रंगों से इतनी मुश्किल चीजें बनाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो मैं तो बहुत अच्छा समझती हूँ, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी ये फेस्टिवल होना चाहिए। हाँ, हमें तो पता नहीं चलता कब दिवाली आती है, कब होली आती है। और मेरे ख्याल से ये खाली एक दिन की नहीं है, जैसे वो कहते हैं 14 जनवरी तक का जो है ये है आपने मना सकती हो। तो आप लोग कमेंट में लाजमी बताना की ये खाली एक दिन की है, ये 14 जनवरी तक की होती है ये। सो खैर, ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।